आदित्य जो आज ये सोचकर मिली के घर आया था कि अब तो सब ठीक ही होगा, अब तो उसकी शादी मिली से होकर ही रहेगी, लेकिन शांति की शर्त की वजह से उसका ये विश्वास डगमगा रहा था। उसे पता था शांति की शर्त नाजायज थी। अतुल क्यों आरती से शादी करे, क्यों ये शर्त मानी जाए, पर ये उसके प्यार की बात थी। वो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अतुल भैया की तरफ उम्मीद से देखने लगा। उसे लगा शायद क्या पता भैया आरती से शादी करने के लिए हाँ कह दे। शांति की ये अजीब शर्त सुन उनके पति विनोद बोले, शांति अब तुम बात हद से ज्यादा बढ़ा रही हो। शादी कोई सौदे का खेल नहीं। अगर बच्चियों की तुम्हें वाकई परवाह होती तो तुम ये शर्त कभी न रखती। उमा उनका साथ देते हुए बोली, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, सौदा नहीं है ये कोई। इस पर शांति ने उन्हें घूरते हुए कहा, आप इसे कुछ भी कहें, मेरी यही शर्त है। आखिर अतुल का भी पारा चढ़ गया और वो सोफे से उठते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस, मुझे नहीं करनी शादी। उमा ने शांति की तरफ देखा और कहा, ठीक है आपको जवाब मिल गया, आपकी ये शर्त पूरी नहीं हो सकती। ये कहते हुए उमा उठकर बाहर की तरफ चल दी। फिर बाकी सब भी उठकर वहां से जाने लगे सिवाय आदित्य के। उमा ने पलट आदित्य को देखा और कहा, आदि चलो अभी। उसने मिली की तरफ देखा तो उसकी आंखें नम थी। बड़ी मुश्किल से वो अपने आंसू रोक रही थी। उसे देख आदित्य और भी टूट रहा था। तभी रमेश चिल्लाए, आदि सुना नहीं मॉम ने क्या कहा, चलो। आदित्य को आखिर वहां से जाना ही पड़ा। उन सबके जाते ही आरती बोली, ये क्या था माँ, एक बार काफी नहीं था जो दूसरी बार मुझे उस लड़के से रिजेक्ट करवाया। इस पर शांति बोली, अरे रिजेक्ट नहीं, मैं चाहती थी कि तेरी शादी उसी घर में हो, इसलिए मैंने ये किया। आरती चिढ़कर उनसे बोली, माँ तुम कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं हो कि जो तुम सोचो वही हो जाए, उल्टा असर भी पड़ जाता है दवाई का कभी कभी। और मिली दीदी तुम्हारा ये आदित्य के साथ कब से चल रहा है। ये सुन मिली ने डरते हुए अपनी नजरें झुका ली, पर आरती बोलती गई, दीदी तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, मेरा रिश्ता तो फिक्स नहीं हुआ पर उसकी आड़ में अपना मामला सेट कर दिया। ये सुन विनोद गुस्से में बोले, आरती बड़ी बहन के लिए कुछ भी बोले जा रही हो। पर आरती इस वक्त किसी को भी नहीं सुनने वाली थी। उसके अंदर गुस्सा भरा था, इस बात का गुस्सा कि इतना तैयार होने पर, मेहनत करने पर भी उसे अतुल से रिजेक्शन मिला और मिली को न जाने कैसे आदित्य मिल गया। वो अपनी हार तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर गई थी, पर मिली की प्यार में सफलता वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे मिली से जलन हो रही थी। वो जलन और गुस्से में और भी बोलती गई, सही कह रहे हैं आप बाबा, बड़ी है, मुझे सीखना चाहिए इससे कि बड़े घर के लड़के कैसे फंसाते हैं। बाबा आरती की तरफ हाथ उठाते हुए चिल्लाए, आरती। पर मिली ने बाबा का हाथ रोक दिया। ये देखकर आरती बोली, वाह दीदी कोई मौका नहीं छोड़ती तुम अहो संस्कारी बनने का। कहते हुए वो कमरे में चली गई। वहां अग्रवाल हाउस में भी तनाव का माहौल था। कोई किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब अपने अपने कमरे में थे। शाम के वक्त आदित्य अतुल के कमरे में गया और दरवाजे से बोला, भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अतुल स्टडी टेबल से उठकर बोला, आओ आदि। वो अंदर आया और बेड पर बैठ गया। उसने अतुल को भी बैठने का इशारा किया, वो भी वापस कुर्सी पर बैठ गया। आदित्य का मुंह उतरा हुआ था। उसे ऐसा देख अतुल को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, आदि इतना सीरियस मत हो, तू तुझ पर सूट नहीं करता। आखिरी बार इतना सीरियस मैंने तुझे तब देखा था जब तू स्कूल में था, तुझे याद है उस दिन क्या हुआ था। ये कहते हुए वो हंस पड़ा। पर आदित्य के चेहरे पर तब भी उदासी के बादल थे। अतुल उसे चीयर अप करते हुए बोला, अरे भूल गया, वो लड़का जिसे फोर्थ स्टैंडर्ड में मैंने डिबेट में हराया था, वो तो इतना गुस्सा हुआ था कि उसने मुझे घूंसा ही मार दिया था।
फिर मुझे बिना बताए तू उससे लड़ने चला गया था। खूब पीटा था तूने उसे, पर पिटाई भी खूब खाई थी, पर हार नहीं मानी, उससे सॉरी बुलवा कर ही रहा। इस पर आदित्य ने कहा, हार कैसे मानता, आप जो थे मेरे साथ, अकेले मैंने नहीं पीटा उसे। जब आपको हमारी लड़ाई का पता चला तो आप भी आ गए थे वहाँ, खुद को मुक्का पड़ा तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसने मुझे मारना शुरू किया तो आपने उसकी कितनी पिटाई की थी। ये सुन अतुल हंस पड़ा, उसने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और बोला, छोटा भाई है तू मेरा, मेरे छोटे भाई को कैसे हारने देता। ये सुन आदित्य उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तो अब भी मत हारने दीजिए ना मुझे। ये सुनते ही अतुल के चेहरे से हंसी उड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य उससे क्या चाहता है। उसने पूछा, क्या हुआ आदि, सही से बताओ। आदित्य हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई मैंने बचपन से लेकर आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, आप देंगे ना। अतुल हैरान होकर बोला, क्या चाहिए तुम्हें। मेरा प्यार मिली। ये सुन अतुल को गुस्सा आ गया, वो बोला, आदित्य तुम्हें समझ भी आ रहा है जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारे प्यार के लिए मैं किसी के साथ जबरदस्ती एक बंधन में जीवन भर के लिए बन जाऊं। आई एम सॉरी आदित्य, ये मैं नहीं कर सकता। आदित्य ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, तो मैं क्या करूं, मैं नहीं रह सकता मिली के बिना। जब तक आप आरती से शादी के लिए हाँ नहीं कहोगे, मेरी शादी मिली से नहीं हो सकती। भाई प्लीज मेरे लिए, उसे ऐसे बेमतलब जिद करते हुए देख अतुल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो आदि, मैं किसी और। कहते हुए वो अचानक रुक गया और सोचने लगा कि वो अभी क्या करने जा रहा था। वो आदित्य को प्रोमिला के बारे में बताने जा रहा था। उसने प्रोमिला के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताया था, आदि को भी नहीं। अभी सही वक्त नहीं था उसके बारे में बात करने का। मैं किसी और से शादी करूं ताकि तू खुश रहे, ये कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा तू मुझसे। आदित्य ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख दिए, वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था, उसे बुरा लग रहा था। उसने अपने भाई से ये कैसे मांग लिया, वो इतना बुरा कैसे हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उससे माफी मांगते हुए बोला, सॉरी भाई, आप सही कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ, पर मैं मजबूर हूँ, आप ही बताइए और कौन सा रास्ता है, कोई भी नहीं। एक तरफ आदित्य बोले जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ अतुल के दिमाग में प्रोमिला घूम रही थी। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है प्रोमिला से शादी के बारे में बात करने का, अब शायद घर वाले भी उसकी शादी के लिए ज्यादा देर रुकने नहीं वाले। आखिर कितने साल रुकाएगा वो घर वालों को। अब प्रोमिला से बात करना जरूरी हो गया था। वो अपने ख्यालों में ही था कि आदित्य की आवाज उसके कानों में पड़ी, भाई ठीक है, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा, पर एक बार सोचना जरूर इस बारे में। ये कहते हुए वो कमरे से चला गया। उसके जाते ही अतुल ने स्टडी टेबल से अपना फोन उठाया और प्रोमिला को कॉल किया। हेलो, कैसी हो, वो एक्चुअली क्या हम कल मिल सकते हैं। ओके, आई विल बी देयर एट 3। अगले दिन ऑफिस से मीटिंग का बहाना कर अतुल प्रोमिला से मिलने निकल गया। वो 3:15 बजे रेस्टोरेंट पहुंचा तो देखा प्रोमिला वहां बैठी कब से उसका वेट कर रही थी। उसे अपना वेट करते देख अतुल दौड़ते हुए उसकी तरफ गया और कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी प्रोमिला, आई गॉट लेट। प्रोमिला ने बहुत कैजुअली जवाब दिया, नो प्रॉब्लम, तुम हमेशा से ही लेट होते हो, तो बताओ इतनी अर्जेंटली क्यों मिलना था, मैं अपना बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस करके आई हूँ, इट बेटर बी वर्थ इट। ओहो प्रोमिला, कभी तो कुछ देर मेरे बारे में सोचो। उसकी बात सुन प्रोमिला मुस्कुराई और बोली, बताओ क्या सोचना है। अतुल भी मुस्कुरा दिया और बोला, घर पर सब लोग मेरी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है, बहाने कर करके मैं लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा हूँ। प्रोमिला ने मेन्यू कार्ड उठाया और कहा, गुड, करते रहो। ये कहते हुए वो हंसने लगी, पर इस बार अतुल नहीं हंसा, वो सीरियस होकर बोला, प्रोमिला ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं थक गया हूँ बहाने बनाकर, आई कांट टेक इट एनी मोर,
प्रोमिला ने मेन्यू कार्ड से नजर हटाई और उससे पूछा, तो क्या करना है? अतुल ने कहा, क्या करना है? शादी करनी है और क्या? प्रोमिला ने जोर से मेन्यू कार्ड टेबल पर रखते हुए कहा, फिर तुम्हारी सुई अटक गई वहां। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं 5 साल तक शादी नहीं कर सकती, मुझे मेरा करियर सेट करना है और अभी अभी मुझे इंटर्नशिप ऑफर हुई है एक बहुत बड़ी कंपनी में। तुम चाहते हो मैं सब छोड़कर तुमसे शादी कर लूं और तुम्हारे बहुत बड़े घर में कैद हो जाऊं? इस पर वो गुस्से में बोला, तुम शादी के बाद भी तो ये सब कर सकती हो ना? नहीं, आई नो तुम अभी कह रहे हो शादी के बाद फैमिली प्रेशर में तुम आ जाओगे। उसकी बातें सुन अतुल को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और बोला, देखो तुम्हें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, मैं बात करूंगा ना घर पे। प्रोमिला हंसते हुए बोली, ओ मैं प्रोमिला चैटर्जी हूँ, बंगाली, इतनी सी बात अपने माँ बाप को बताने में तुम्हारी जान सूख जाएगी। बड़े आए, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा मुझे, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी कॉम्प्रोमाइजेज राइट नाउ। अतुल ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और कहा, बट आई वॉन्ट टू गेट मैरिड राइट नाउ। ये सुन प्रोमिला बोली, इस टोन में बात मत करो मुझसे, आज तक अपने पेरेंट्स से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है, उनके सामने तो चू भी नहीं निकलती तुम्हारी, इतना ही डरपोक हूँ मैं तो मेरे साथ रिलेशनशिप में ही क्यों हो। प्रोमिला ने टेबल से अपना बैग उठाया और कहा, गलती हो गई मुझसे, अब ठीक करती हूँ, इट्स ओवर अतुल। ये सुन अतुल को बहुत बड़ा झटका लगा, पर प्रोमिला तो बोले जा रही थी, इस रिलेशनशिप में आने से पहले मैंने तुमसे साफ साफ कहा था आई एम नॉट लुकिंग फॉर मैरिज राइट नाउ। उस वक्त तुमने क्या कहा था? प्रोमिला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें बांधना नहीं चाहता, अब क्या हुआ? कहते हुए वो उठी और जाने लगी, लेकिन फिर मुड़कर बोली, यू नो व्हाट अतुल, यू योरसेल्फ आर नॉट रेडी फॉर मैरिज, तुम खुद अभी बच्चे हो। ये बोल वो वहां से चली गई। अतुल वहीं बैठा रहा, उसके दिमाग में प्रोमिला की बातें गूंज रही थी। शाम को जब वो घर आया तो ड्राइंग रूम से होते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, तभी वहां सोफे पर बैठी उमा ने उसे आवाज लगाई, अतुल आज देर लगा दी घर आने में। अतुल न पीछे मुड़ा ना ही कोई जवाब दिया। तभी सामने से आदित्य भी आ रहा था, वो बहुत उदास लग रहा था, इतना उदास जैसे वो पहले कभी अपनी जिंदगी में हंसा ही न हो। अतुल उसे देखकर बोला, आदि तुमने कहा था ना कि आप आरती के बारे में सोचिएगा। ये सुन जैसे आदित्य के चेहरे पर हल्की उम्मीद सी छलकी, तभी उमा बोली, आदि सीरियसली तुम अतुल को आरती के लिए कन्विंस कर रहे थे? हाउ कैन यू डू दैट? अतुल उन्हें शांत करते हुए बोला, मॉम प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए, आदि मुझे आरती से रिश्ता मंजूर है। ये सुन आदित्य के चेहरे पर खुशी आ गई, पर उमा खुश नहीं थी, वो बोली, व्हाट अतुल ये तुम क्या कह रहे हो? अतुल फिर उन्हें बीच में टोकते हुए बोला, मॉम मैंने डिसीजन ले लिया, मैं आरती से शादी कर रहा हूँ, दैट्स इट। ये बोल वो अपने कमरे में चला गया। आदित्य खुश होता हुआ उमा से बोला, तो उन्हें कॉल करके बता दे मॉम, तुम ही कॉल कर लो। ये कहते हुए उमा अतुल के पीछे उसके कमरे में चली गई। वहां उन्होंने उससे पूछा, ये क्या था बेटा और क्यों? अतुल अपना कोट उतारते हुए बोला, मॉम प्लीज अब मेरा फैसला नहीं बदल सकता, मैं शादी कर रहा हूँ, वैसे भी आप सब यही चाहते थे ना कि मेरी शादी उससे हो, तो अब कर रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? उमा उसे समझाते हुए बोली, प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो बस अब ये बात खत्म। ये कहते हुए वो वॉशरूम चला गया। उमा परेशान हो गई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक अतुल ने ये डिसीजन ले लिया। जब वो ड्राइंग रूम में गई तो उन्होंने देखा आदित्य जोर जोर से फोन पर बातें कर रहा था। हाँ जी आप टेंशन मत लीजिए, वो सब हम संभाल लेंगे, पर इस बार ना उल्टा करते हैं, हर बार हम आपके घर आते हैं, इस बार आप हमारे घर आ जाइए। हाँ ओके 2 बजे पक्का, नमस्ते। कहते हुए आदित्य ने फोन रखा और उमा की तरफ देखा। उन्होंने हैरान होते हुए उससे पूछा, किसको इनविटेशन दे रहे थे? आदित्य शर्माते हुए बोला, वो सासू माँ को। व्हाट? उमा ने हैरानी से कहा। तो आदि बोला, आपने ही तो कहा था
कॉल करके खुद ही बता दो। तो बता दिया कि भैया ने हाँ कर दी है। उमा ने गुस्से में कहा, ओफो मेरे मुंह से निकल गया, तुम सच में शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी शादी की बात करते हुए? आदित्य उनके पास आकर बोला, अरे मॉम, सासू माँ ने बोला अपना ही घर है, काहे की शर्म। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। उमा उसे देख गुस्से में बड़बड़ा रही थी। आदि, यू आर द लिमिट। आदित्य सीधे अतुल के कमरे में चला गया। अतुल तब आईने के सामने खड़ा अपना मुंह पोंछ रहा था। आदित्य ने सीधे जाकर उसे गले से लगा लिया और कहा, आपने ये सिर्फ मेरे लिए किया ना भाई? अतुल ने उससे कहा, नहीं तेरे लिए नहीं किया, और तुझे कोई एहसान वहसान मानने की जरूरत नहीं। ये डिसीजन मैंने किसी के प्रेशर में नहीं बल्कि खुद से लिया है, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है। तू खुश रहे, ठीक है? आदित्य ने उसे कसकर गले लगा लिया। तभी अतुल बोला, आदि ये बता कि मिली की कुंडली सही तो है ना? ये सुन आदित्य हड़बड़ा गया और बोला, हाँ क्यों? ये तुम्हारे लाइफ का सवाल है, ऐसा तो नहीं कि तूने कोई धांधली की? आदित्य घबराते हुए बोला, नहीं भाई मैं धांधली क्यों करूंगा, सब सेट है भाई। ये कहते हुए वो कमरे से निकला और राहत की सांस ली। फिर खुद से बोला, चलो बच गए। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।